दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं होंडा की सीआरबी है, 2014 का मॉडल है, 4WD पेट्रोल कार है। आउटसाइड टेम्परेचर आप देख रहे हैं 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। गाड़ी अभी चालू है और एसी हमने चालू रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसी चालू है। और कूलिंग टेम्परेचर आप देख रहे हैं 9.2, 9.1, 9 पे आ चुका है कूलिंग टेम्परेचर। और ये रही रियर डिफोगर का, प्रॉपर चल रहा है। ये फ्रंट डिफोगर का प्रॉपर चल रहा है। ये रही मोड बटन, प्रॉपर चल रहा है। मैं सामने रख लेता हूँ। और ये रही ब्लोर स्पीड, कम हो रहा है, इसमें ज्यादा हो रहा है, प्लस माइनस है। और ये रही आउटसाइड एयर का, आउटसाइड एयर कब यूज करने का रहता है आपको पता ही होगा, ये भी चालू है। और ये रही हीटर का, पैसेंजर साइड का एडजस्ट करने के लिए दिया है टेम्परेचर, और ये रही ड्राइवर साइड का एडजस्ट करने के लिए दिया है। तो चलो हम, और एक ये रही ऑटो का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लोर की स्पीड बढ़ रहा है, यानी ऑटो स्विच प्रॉपर चल रहा है। तो इसको मैं कम कर लेता हूँ और हीटर हाई पे कर रहा हूँ। और हीटिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं, बढ़ रहा है अभी। और जब थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो ये कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, जब तक कि सिंक के बारे में जान लेते हैं। सिंक का ऑप्शन क्या है, सिंक का अगर आप चालू रखेंगे तो यहां से आप अगर एडजस्ट करेंगे तो दोनों साइड का टेम्परेचर, यानी पैसेंजर और ड्राइवर दोनों साइड का टेम्परेचर यहां से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों साइड हीटिंग आएगा अपना। तो हीटिंग टेम्परेचर देख लेते हैं, 29 पे आ चुका है, 35, 36, 37, 38, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज प्लीज प्लीज।